ये है बादशाह दरबार रॉयल गेट, जिससे बादशाह अकबर उनकी फैमिली के लोग एंट्री किया करते थे बाबा के दरबार। और ये बड़ा सा हेलो गाइज, वेलकम टू शो मी का ब्लॉग। तो अभी हम जा रहे हैं सूफी संत सलीम चिश्ती दरगाह में, जो यहाँ पे रहते थे। ये है बादशाह दरबार रॉयल गेट, जिससे बादशाह अकबर उनकी फैमिली के लोग एंट्री किया करते थे बाबा के दरबार। और जो बड़ा सा दिख रहा है वो बैक में, वो है बुलंद दरवाजा, जिससे आम जनता गरीब लोग बाबा के दरबार आया करते थे। तो यहाँ स्कूल भी चलता था, लोग बच्चे आते थे, लोग वो भी यहाँ उर्दू फारसी अरबी भाषाएं पढ़ा करते थे। उस समय ये हिंदी इंग्लिश थी नहीं। तो अब हम जा रहे थे दरगाह के अंदर, और ये बोलते हैं सब लोग कि अगर आप लोग धागा बांध के मन्नत मांग लेते हो तो आपके 3 मन्नत पूरी हो जाती है। तो पता नहीं क्या होगा, मैंने भी मांगा है, तो अगर पूरी हो जाए तो मैं आप सबको बताऊंगी। और मैं ये दिल से चाहती हूँ कि मैंने जो मांगी है वहाँ पे वो पूरी हो जाए, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो हो भी जाएगा। और यहाँ पे वो भी जगह है जहाँ पे अनारकली को मतलब दीवार के बीच में रखा गया था, पर ये लोग कहते हैं कि उस दरवाजे से ना अनारकली को बाहर निकल दिया गया था। तो इस ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखें, तो आप लोगों को मैं वो भी दिखाऊंगी। और ये जो बीच में है ना व्हाइट कलर की, वही है दरगाह। लोग यहाँ पे रहते थे ना, ये सब उनकी कब्र है। हाँ भाई, कब्र है। और इस जगह से हम लोग धागा वागा खरीद रहे थे, और ये वो जगह है जहाँ से आपको एसी की तरह हवा आएगी, ठंडी और गर्मी और दोनों आप महसूस कर सकते हो ऐसे बीच में हाथ देकर। ये हम पहुंच गए दरगाह में। तो ये है बुलंद दरवाजा, द डोर ऑफ विक्ट्री भी कहते हैं इसे। जब अकबर ने गुजरात के ऊपर अपने फतेह की थी, तब 1575 में ये बिल किया था अकबर ने। और ये जो पूरा गांव है ना, मतलब प्राचीन के पूरा अंदर का पूरा का देखभाल अभी तक यही लोग करते हैं, ये इनको इनका कहना है। और फिर हम लोग वहाँ से निकल के गए थे लंच के लिए, फिर हमने लंच किया, और लंच करके फिर लंच करने के बाद हम लोग गए थे और एक जगह, और ये जानने के लिए मेरा नेक्स्ट ब्लॉग जरूर देखिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय ब्लॉग, एंड प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।